हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 9th क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स में पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लिया है, सारे वीडियोस अपलोड भी हो चुके हैं, आपने देखे होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास में। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ टर्म्स, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। द वर्ड पॉलिनोमियल मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग मेनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, एक है, दो है, तीन है। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग वन टर्म, किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे मान लो कोई ए एक्स ही है खाली, तो ऐसे टर्म्स को हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं हम इसको, मोनोमियल, यानी कि एक टर्म वाला। अगर पॉलिनोमियल में दो टर्म्स है, दो टर्म्स का कोई नंबर है, मान लो ए एक्स प्लस बी का है कोई, तो हम इसको कहेंगे कि ये कैसा टर्म्स है, कैसा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है ये, ठीक है। और अगर अगर कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग थ्री टर्म्स, अगर उसमें थ्री टर्म्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, ट्राइनोमियल। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है, अगर किसी पॉलिनोमियल की क्या डिग्री क्या है, जीरो है, तो हम क्या करेंगे उसको, आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वन है, वन डिग्री है, तो वो कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर उसकी डिग्री टू है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर नहीं है, मान लो सेवन है, तो ये सेवन क्या होता है, कांस्टेंट है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मान लो कोई टर्म जैसा ऐसा है एक्स प्लस सेवन है, तो ये आप क्या कह सकते हो कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर कोई एक्स स्क्वायर के टर्म्स में है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन, तो आप इसको क्या कह सकते हो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर कोई क्यूबिक की थ्री की पावर में है, तो हम उसको ये लिख सकते हैं, ये थ्री की पावर में है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इस तरीके से ये हमने इसके टर्म्स को डिस्कस कर लिया। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 हम करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कह रहा है कि इनमें से कौन से जो एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल के हैं, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन भी बताइए कि अगर आप उसको ये बता रहे हैं कि ये वन वेरिएबल में है तो क्यों है, और नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, आपको दोनों का रीजन बताना है। देखिए ना, पहला हम देखते हैं, पहला क्या है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन। तो ये देखिए आप, पूरा एक्स में ही है, ठीक है, और सारे के सारे कैसे नंबर है, होल नंबर है, तो ये आपका क्या है, वन वेरिएबल है, ठीक है, वन वेरिएबल है, इसको लिख देंगे यस, ठीक है, ये वन वेरिएबल का है। इसमें भी खाली वाई स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस टू दिया हुआ है, ये भी वन वेरिएबल का, यानी कि वाई का है। इसमें देखिए थ्री अंडर रूट टी और टी अंडर रूट टू, तो ये जो है क्या है, टी की पावर हाफ आ गया यहाँ पर, और टी की पावर हाफ क्या है, वेरिएबल की, मतलब वेरिएबल जो है वो होल में है, मतलब कंप्लीट नंबर में नहीं, क्या है ना, रेशनल नंबर में है, तो ये होल नंबर में नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नंबर आपका क्या है, वन वेरिएबल का नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आप, ये भी आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा, इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, और ये भी क्या है, होल नंबर में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका नो है। और ये जो है, ये आपका तीन वेरिएबल है, एक्स है अलग है, वाई अलग है, टी अलग है, तो क्या है, ये थ्री वेरिएबल का है, ठीक है। तो समझ गए आप, ये पहला वाला, दूसरा वाला, दो ये वेरिएबल के, वन वेरिएबल के टर्म्स हैं, ये दो नहीं है, और तीसरा वाला थ्री वेरिएबल का है, ये भी वन वेरिएबल का नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है,
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म्स दिए हुए हैं इनमें सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए पहला टर्म्स लेते हैं हम, ये वाला, ये टर्म्स लिया आपने 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो आप देखिए इसमें एक्स स्क्वायर, इसके आगे कोफिशिएंट, इसके आगे कोई नंबर है नहीं है, तो इसके आगे हमने कैलकुलेट कर लिया 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, कोफिशिएंट 1 आ गया, ठीक है। सेकंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें भी एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट लिखना है, तो इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है माइनस, माइनस 1, कोई नंबर नहीं है तो माइनस 1 हो गया। तीसरा वाला आपका है पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या है पाई है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया पाई। और चौथा वाला जो है वो आपका है अंडर रूट 2x माइनस 1, इसमें एक्स स्क्वायर का कोई टाइम ही नहीं है, तो आपने क्या राइट कर लिया कि 0x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 1, ऐसा हमने इसको राइट कर लिया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 0, ठीक है। नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, एक बायनोमियल आपको टर्म्स लिखना है और कितने डिग्री का लिखना है 35 का लिखना है, तो कोई सा भी आप टर्म लिख दिए, x पावर 35 प्लस कुछ भी लिख दिए 50 55, कुछ इस तरह का टर्म लिख दिया आपने, और दूसरे टर्म्स लिखना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, दूसरे टर्म्स लिखना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कोई भी आप टी ले लिया, मतलब टी पावर कितनी लगा दिया आपने 100, तो ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का ये हो गया, और पहले वाले का बायनोमियल ऑफ डिग्री का ये हो गया, ठीक है। ये दोनों आपके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, इसकी डिग्री बताना है। तो जैसा कि हमने शुरू में ही आज के वीडियो में शुरू में ही हमने पढ़ा कि जो किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर यानी कि ज्यादा से ज्यादा पावर कौन सी, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 3, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है वाई इसका स्क्वायर यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, जो सबसे ज्यादा पावर है यानी कि ये टी है खाली 1 है, पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, यहाँ पर कोई है ही नहीं वेरिएबल, ठीक है, यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री 0, यहाँ पर कोई वेरिएबल है नहीं तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम चलिए, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको और डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, कह रहे हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनमें से आपको कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये सब आपको बताना है। तो जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर एक्स स्क्वायर होती है मैक्सिमम, तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, तो ये पहले वाला क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अगर मैक्सिमम पावर 3 होती है तो वो क्यूबिक हो जाता है, 3 आगे 2 स्क्वायर हो गया, इस मैक्सिमम पावर इसमें 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है वेरिएबल की तो ये लीनियर है, इसमें भी 1 ही है तो ये भी लीनियर ही हुआ आपका, ठीक है, इसमें भी 1 है तो ये भी आपका लीनियर हो गया, इसमें स्क्वायर है तो ये क्या होगा भाई, क्वाड्रेटिक, और ये 3 है तो ये क्या हो गया क्यूबिक, तो ये सारे आपके हो गए, ये आपका पहला वाला क्वाड्रेटिक, दूसरा आपका क्यूबिक, क्योंकि इसमें पावर 3 है, इसमें 2 है, 2 वाले को क्वाड्रेटिक, 3 वाले को क्यूबिक, इस तरीके से हम इसको रखते जाएंगे, जिसमें कोई पावर नहीं है सिर्फ 1 पावर है तो उसको हम लीनियर, इस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज 2.1 यहीं पर खत्म हुई, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।